अयान कोली समा कविता विच भाई वीर सिंह ने की क्या है हले लवलीना ने बोलिया काफी सारे बच्चों ने बोलिया समय नु बर्बाद करना चाहिए सदवरतों या सदउपयोग करना चाहिए ठीक है ते जे आप समय नु रोकने की कोशिश करते हैं समा रुकता किसे लिए नहीं रुकता समा अपनी चाल चलता ही रहता है ते समय की चाल किदां दी हुंदी है धीमी हुंदी है बहुत तेज हुंदी है ठीक है इहदा जिहड़ा वेग है बहुत ही तेज है ते इहदे विच जिहड़ा कवि है वह संबोधन करता है तो वह किहड़े रूप विच करता है इस्त्री रूप विच ठीक है कहिंदा कि मैं बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हाँ पर समा नहीं रुकता क्योंकि समा बहुत ज्यादा बलवान है किसी भी वेट नहीं करता ठीक है हद बन्ने सारे जड़े ने टपदा रहिंदा है निरंतर चलता रहिंदा है गतिशील है हाँ पर वो भज जाता है ठीक है हथों निकल जाता है इसलिए समय का सानू सद उपयोग करना चाहिए है या सही प्रयोग करना चाहिए है क्लियर है केंद्रीय भाव हाँ जी संभाल करनी चाहिए है फर्स्ट क्वेश्चन कवि किस रूप विच अपने विचार बयान करता है सही आंसर लिख लो ऑप्शन चाहे ना लिखो कवि किस रूप विच अपने विचार बयान करता है स्त्री रूप विच समय नू सेकेंड समय नू कौन समय नू कौन काबू नहीं कर सकता समय नू कौन काबू नहीं कर सकता ऑप्शंस ने घड़ी मनुख कुदरत या कोई भी नहीं मनुख हाँ वैसे कोई भी नहीं आएगा गुड 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 नहीं कौन काबू नहीं कर सकता कुदरत भी नहीं काबू कर सकती घड़ी भी नहीं काबू कर सकती मनुख भी नहीं कर सकता सो कोई भी नहीं आना चाहिए कोई भी नहीं घड़ी मनुख कुदरत या कोई भी नहीं कोई भी नहीं एक समय नू कोई काबू नहीं कर सकता कुदरत भी नहीं कर सकती काबू अगर कुदरत ने काबू किया होंदा ते आ जेड़ा इन्ना कुछ चल रहा ये नहीं चलता होंदा ठीक है बहुत वधिया समा चल रहा होंदा हाँ जी अश्मित मैम फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कवि किस रूप विच अपने बयान पेश करता है स्त्री रूप विच थैंक यू मैम नेक्स्ट पल्ला छुड़ा के कौन खिसक गया कोई भी नहीं पल्ला छुड़ा के कौन खिसक गया मतलब निकल गया समा मनुख परमात्मा या कोई भी नहीं पल्ला छुड़ा के कौन खिसक गया या निकल गया समा
नेक्स्ट डन नेक्स्ट तरीक 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 नहीं बोलना आप बोलना तरीक तरीक शब्द तो की भाव है की मतलब होंगे तरीक शब्द तो की भाव है गुड सुटना कुटना भेजना या खिचना खिचना तरीक हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन वेग वेग का अर्थ वेग डिंगा वगना वेखना या प्रवाह प्रवाह किदा आएगा प्रवाह एदा की मतलब है गुड वेग दा फ्लो ठीक है ओनू आपा बोलते हैं ऐदा ना लिखियो वैसे हम लिखन वाला कोई है ही नहीं ठीक है ये हुंदा किसे दी केयर करनी सारे अगे वर्ड मीनिंग ने चार पांच उड़ंदा उड़ंदा वो सफल उड़ंदा जामदा उड़ंदा दा अर्थ उच्चा उगदा उड़दा या ऊंगदा उड़दा हो गया नेक्स्ट जामदा जामदा जांदा नेक्स्ट आंबदा नेक्स्ट त्रिखे त्रिखे तेज वास्ते रही वास्ते कत वास्ते ऑप्शंस बना लो किसे लिए किसे लिए अपने लिए मैं ते चौथी बना लो तुसी किसे लिए मिली ठीक है ते ऐदा की आएगा किसे लिए वास्ते किसे लिए नेक्स्ट है कत कत तो टैंक ना पाइयो कत रही वास्ते कत कत मतलब मिनता करनी
तरले करने या मिन्ता करनी है, ठीक है। कत मतलब तरले या मिन्ता, तरले या मिन्ता। खिसकाई दा लिख लिया आपा, खिसकाई। खिसकाई खिसक जाना या निकल जाना। नेक्स्ट कन्नी, समय खिसकाई कन्नी। कन्नी मतलब कन्नी, ऑप्शन से दिया है ही नहीं। सहारा, ऑप्शन लिख लो, सहारा, पल्ला, सहारा, पल्ला, मिन्नता या पल। पल्ला, कन्नी, सहारा होर चीज है, पल्लिया होर चीज है, जिस तरह चुन्नी का होंदा ना कन्नी। अटक, अटक, रुकावट, अड़चन, ठीक है, रुकना। मान लो जी ऑप्शन विच इदा दे कोई एक आ गया ते फिर तुहानू पता होना चाहिए दो दो मतलब भी हो सकते हैं, ठीक है। बन्ने बन्नी मतलब टप गया, बन्ने बन्नी, बन्ने बन्नी, सारिया वॉल्स, सारिया रुकावटा या सारिया हद्दां नू पार कर गया, ठीक है। बन्ने बन्नी, सारिया हद्दां पार करनिया, हद्दां मतलब लिमिट्स क्रॉस कर देनी, सारिया सारिया हद्दां पार करनिया। जांच, जांच नहीं है, जांच, नहीं जांच, हाँ तरीका, ओ जांच है, ये जांच है, तरीका ढंग, ठीक है, तरीका या ढंग। एसी वर्ड मीनिंग, सफल होने ले सानू की करना चाहिए है। सफल होने ले सानू की करना चाहिए है। समय दी कदर करनी चाहिए है, सदुपयोग भी आ सकता है, डिपेंड करता ऑप्शन किस तरह की आनी है। थानू कदर करनी चाहिए है, सदुपयोग करना चाहिए है, उन्हें संभालना चाहिए है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, की समा अपनी गति ना चलता है, फिर केदी गति ना चलता है, समा किस दी गति नाल चलता है, अपनी, मनुख दी, कुदरत दी या किसी दी भी नहीं, अपनी।
रिवीजन टेस्ट भी गूगल फॉर्म से आएंगे ठीक है। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन, समा कविता विच समा कविता विच कवि ने समय दे केहड़े सुभा नू दस्या है। समा कविता विच कवि ने समय दे केहड़े सुभा नू दस्या है, केहड़े सुभा नू दस्या है। इत्थे निरंतर दी जगह ते ना उन्होंने लिखा चलायमान, ओदा भी मतलब सेम ही है निरंतर चलदे रहने वाला ठीक है, चलायमान राइट। मतलब निरंतर ठीक है। हो गए कितने हो गए 19 हो गए। हां जी ऑल स्टूडेंट्स 19 क्वेश्चंस वी हैव डन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया होए ता दसो मेनू। ओके 20 कर लिए पूरे। कवि ने किस नु संभलन लई कहा है, बी पूरे कर लो। कवि ने किस नु संभलन लई कहा है, किस नु संभलन लई कहा है, मनुख नु ठीक है। 20 हो गए और बाकी आप राइटर दे नाल किते से थे वो भी 16-17 सी ठीक है। सो देखो थोड़े किन्ने क्वेश्चंस हो गए एक कविता विच, एक छोटी जी कविता विच आप किन्ने क्वेश्चन बना ले राइट। हुण विसाखी का मेला धनी राम चात्रिक मैं अच नहीं करवावांगी ठीक है, जस्ट आप ओदे विच देखांगे कि ओदी कविता विच कहा की गया है ठीक है। और केंद्रीय भाव बस बहुत ज्यादा बन जाने ओदे विच दी। हां जी बंजारा कविता सॉरी विसाखी का मेला कविता धनी राम चात्रिक की लिखी हुई कविता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ दो तीन लाइना एनीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हां जी लवलीना ठीक है। रमनीक ठीक है। पहले पैरे विच उन्होंने सिर्फ कुदरती दृश्य नूं बयान किया है कि किदां फसलां जिहड़ियां ने ओह पक जांदियां
मेनली विसाखी दे मेले दी के दे नाल है केड़ी फसल कणक दी फसल क्योंकि ये और केड़े महीने दी गल कीती है देसी महीनिया विचों दी विसाख ते अंग्रेजी महीनिया विचों दी अप्रैल महीना ठीक है से जो तुहानू अगर देसी महीने पूछे गए ने उत्थे फिर तुसी विसाख लिखोगे ऑप्शन विच जे तुहानू अंग्रेजी महीने पूछे गए फिर तुसी अप्रैल लिखोगे ठीक है फिर सेकंड पैरे विच उन्हें की किता है ठीक है दूसरे पैरे विच है कि मेले दे दृश्य का वर्णन किया है कि किस तरह लोग जड़े ने ओ लाइना लगा के हलवाइया दी दुकाना ते खड़े होंगे मिठाइया दिया ठीक है अलग अलग जिस तरह बनजारे ने उन्होंने की होंगे कुंजा ये वर्ड सी फीते होंगे ने उन्होंने को वक् वक् तरह लेसिस वगैरह ठीक है गजरे होंगे ने बैंगल्स होंदिया ने होर हाँ झूठे गहने जेडे आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स होंगे ने उन्हों दुकाना लगिया होंगे ने होर हलवाइया दी हो गया खिडौने लगे होंगे ने ठीक है फिर लास्ट हाँ मदारी तमाशा दिखाते ने छिंजा लगदिया ने ठीक है कबड्डी वगैरह पहलवान उत्ते अपने वक् वक् करतब दिखाते ने छिंजा अखाड़े कबड्डी खेलते ना उन्होंने बोलते छिंज पानी ठीक है लास्ट पैरे विच की लिखा होया है दूर दूर तो लोकी देखन आंदे हन इनू ठीक है और बहुत ज्यादा भीड़ हुंदी है हाँ वंजली एक साज भी इहदे विच हुंदे ने वंजली लंगोजा काटो तुम्बी ए सारे बजदे ने बहुत ज्यादा शोर हुंदा है और लोकी बहुत ज्यादा एंजॉय करदे ने ठीक है ए सारा है विसाखी दे मेले विच हां जी अश्मित मैम पोएट या राइटर के बारे में मैम पेपर में क्या क्या पूछ सकते हैं ओदे विच बच्चे थाने पूछा जा सकता है मेरी माता पिता का नाम जन्म पूछा जा सकता है काव्य रचनावां ते सम्मान ठीक है ये चीजा पूछिया जा सकदियां ने वैसे मैं थानू करवा रही हूँ एक बार गो थ्रू सारे नाल हो जाइयो देखो तुहानू विसाखी का मेला ते समा कविता विचों दी पूरी पोएम आंदी है पढ़ना ज्यादा कितने फोकस करना तुसी कवि दे बारे विच है ना जिस तरह आप मुड़ वेख्या पिंड किया होया है मुड़ वेख्या पिंड तुहानू पता है कि उहदे विच की कहा गया है लिखी कहदी होई है मुड़ वेख्या पिंड मुड़ वेख्या पिंड हां जी बलराज सानी दी वहमी ताया सुबह सिंह जन्मदिन कहानी यही है बस तुहानू ठीक है ते कविता है समा ते विसाखी का मेला ए बेटा पंच तुहानू आने ने फिलहाल जिहड़े तुहाडे पेपर होणगे और उहदे नाल विरोधी शब्द सारे लिंग बदलो सारे शुद्ध करो सारे विस्मिक नहीं हैगे ठीक है ये तीन टॉपिक ने बहुत थोड़ा सिलेबस है जिहदे विच आपां विरोधी शब्द हाँ जी विरोधी शब्द असीं करने हले है ना बाकी आपां कर लें तनी राम चात्रिक करवाते ओके असाइनमेंट होगी ओके ओके ठीक है जी सारे विरोधी शब्द सारे आने लिंग बदलो सारे आने शुद्ध करो सारे आने हैं ठीक है हुण असीं बस उहनां दी प्रैक्टिस हौली हौली करनी शुरू करिए बुक तो इलावा भी आ सकते ने विरोधी शब्द नहीं शुद्ध करो ठीक है कल आपां करांगे तनी राम चात्रिक दे बारे विच ठीक है उस तो बाद विच कल वेनसडे है पहला आपां थोड़ी जी तैयारी कर लवांगे थोड़े रिविजन टेस्ट वन दी ठीक है हां जी किसी ने पूछना है कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट्स